जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसे आपको पता है, एक दुखद समाचार है कि एग्ज़ामपुर जो चैनल है वो हैक हो चुका है, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। दोस्तों क्या हुआ, कल रात जो है काफ़ी सारे जो ट्विटर जो थे उस पर भी काफ़ी अकाउंट डिलीट हुए। उसी तरह जो है एग्ज़ामपुर पर आज क्या हुआ, जब सुबह सुबह जो है उनका मैनेजर जब आता है तो उस पर देखता है कि दो वीडियो उसमें डली पड़ी हैं। तो सर क्या करते हैं, वो जो दो वीडियो थी वो जो डिलीट करते हैं ना, तो YouTube क्या करता है, इस YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग, उस पर अपलोडिंग, ये सारी चीज़ें रोक देता है। और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि भाई YouTube जो चैनल है एग्ज़ामपुर का वो हैक हो चुका है। तो इससे जो एग्ज़ामपुर जी थी, एग्ज़ामपुर की टीम है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। बहुत 21 से 22 हज़ार जो है फ्री क्लासेस दी हैं, तो बहुत अच्छी टीम है जो फ्री में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आप किस तरह से विवेक सर जो है उनको सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ट्विटर पर जाना है, ट्विटर पर जाकर आपको वहाँ पर कुछ कैंपेन चलाने हैं, जैसे ब्रिक बैंग, एग्ज़ामपुर, YT क्रिएटर इंडिया पर जाकर आपको ये करना है। उसी तरह टीम यूट्यूब जो है उस पर जाकर आप वहाँ पर ट्वीट कर सकते हो कि एग्ज़ामपुर चैनल जो है उसको वापस लाया जाए, या विवेक सर को जस्टिस फॉर विवेक सर, इस तरह से काफ़ी सारे आप ट्विटर पर जाकर वहाँ पर कंपेन चला सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट जो है वो तो मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इस पर ट्विटर पर जाकर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्वीट करिए। एक बच्चा अगर 10-10 भी ट्वीट कर देता है और अपने ग्रुप में शेयर करता है, तो क्या पता इनका जो चैनल है वापस आ जाए। और अगर ये वापस नहीं आता दोस्तों, तो आगे चल के बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जय हिंद।